कुंडली भाग्य। अच्छा लग रहे हो, इसकी पर्सनालिटी पे बहुत सूट कर रहे कपड़े। ऐसा लग रहा है बस देखते रहो कि ये बंदर गुलाटी का। प्रीता अरोड़ा, मेरा मजाक उड़ाना ना बंद कर दो। चलो साइड से हटो, कम से कम तुमने टॉवल तो दे दिया। ये टॉवल मेरा है, मैं नहीं दूंगा। ओके, मुझे चाहिए टॉवल। तुम्हारा कैसे हो गया ये टॉवल? हमारा है वापस। टॉवल चाहिए मुझे, मुझे टॉवल चाहिए। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ दी, बाय गॉड की सीरियस कसम। क्यों हॉट लग रहे हो, कत्ल लग रहे हो एकदम। वैसे आज किस पे बिजली गिराने का इरादा है, करण सर या ऋषभ जी या दोनों? पर मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम ऋषभ और शर्लिन की जो मैरिज की सेरेमनीज है, मेहंदी और संगीत, थोड़ा हम जल्दी कर सकते हैं, आई मीन कल। लेकिन संजना तुम तो कह रही थी कि इस महीने तारीखें कम है। हाँ मॉम, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं पंडित जी को फोन करके दोबारा नई डेट्स ले लूंगी। क्यों भाभी? जी दीदी। ये जो ड्रेस का खेल हमने खेला था, कहीं ये पासा हम पर ही तो उल्टा नहीं पड़ गया? करण सर तो वक्त पर आते हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, और पृथ्वी, पृथ्वी हमेशा लास्ट में आता है, लेट लतीफ कहीं का। मतलब पूरी मेहनत करण सर करते हैं और ये जना आप लास्ट में आके पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। आप हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। सुना मैंने कि सृष्टि ने आपसे क्या कहा? यही कहा ना कि पृथ्वी हमेशा लास्ट मोमेंट पर आकर आपको बचा लेता है। तो जेलस होगी पीटर? मैं किस बात से जेलस होगी? क्योंकि मैंने उस लड़की को बड़े प्यार से हाय बोला था जो तुमसे देखा नहीं गया बिल्कुल भी। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो हाय मैं तुम्हें बोल रहा था, लेकिन तुम गलत टर्न कर गई। तुम्हें लगा वो हाय मैं उस लड़की को बोल रहा हूँ? मुझे तो किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम्हारे आसपास होते हुए मैं किसी और के साथ फ्लर्ट करूंगा। हाँ कि तुम बहुत काली मेरी चोटी है परांदा मेरा सिल्वरनी। भैया पूजा की थालियां मैं ले लेती हूँ। वैसे आप लोग कितने अच्छे लग रहे हो यार आज। आई मीन ये पंजाबी पहनावा क्या जच रहा है इस फंक्शन को। मतलब आप लोगों ने इस मुंबई को छोटू सा मिनी पंजाब बना दिया है। बहुत फन। अच्छा इसमें क्या क्या डालू बोलो ना। कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है इनवेटर्स के साथ। आई डोंट लाइक इट। ए हो गया हो गया हो गया, बस चलो। अरे अब जाओ और पूजा पूजा में शामिल हो जाओ। हाँ एक मिनट, क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी मेरी थाल सजाने में? तुम जरा इस तरफ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पहले मेरा हाथ छोड़ो। क्या है? तुम उन वेटर्स के साथ क्या कर रही थी? वेटर्स के साथ क्या? भंगड़ा पा रही थी बेवकूफों के बादशाह, दिखाई नहीं दे रहा था क्या? बात कर रही थी उनसे नॉर्मली और क्या। वो नॉर्मल बातचीत थी यार, तुम तो जोर जोर से हंस रही थी, उन्हें स्माइल दे रही थी, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रही थी उनके साथ? ऐसे कौन सी बड़ी हंसी देख ली तुमने मेरी? हाँ goncase.com। अरे बात करने का मन किया इसलिए उन लोगों से बात कर रही थी, और वैसे भी पंजाबी ड्रेसेस पहनी थी ना तो इसलिए मैंने उन लोगों की तारीफ कर दी। इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई यार, कमाल है ये लड़का। एक मिनट, अगर तुम्हें किसी से बात करने का मन था तो तुम मुझसे भी बात कर सकती थी ना, मैं भी तो था तुम्हारे आसपास। हैं? मतलब मैं भी तो तुम्हें देख रहा था, तुम्हें स्माइल दे रहा था। हाँ तो मैंने भी तो रिटर्न में तुम्हें छोटी सी स्माइल दी थी। पर तुमने तो मुझसे बात ही नहीं करी। अरे यार ये एक मिनट, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है क्या? हाँ तुम शायद ठीक कह रही हो, मैं था थोड़ा सा, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ ना, I was just worried about your safety, क्योंकि दिल तो करता है तुम्हें सच सच बता दूँ, लेकिन तुम मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाओगी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बोलो समीर बोलो, मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ कि तुम भी वही फील करते हो जो कभी कभी मैं फील करती हूँ। तुम मेरे लिए? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या समीर? मेरे लिए
मेरे लिए एक 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 गेस्ट हो यार, आई मीन आज मेरे घर का फंक्शन है तो मुझे अपने मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए, राइट? दैट्स ऑल। तब तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ना मेरा ख्याल रखना, है ना? तुम एक गेस्ट से ज्यादा वो मेरे लिए सृष्टि, बहुत ज्यादा। काश काश तुमने कुछ और कहा होता समीर। समीर हाँ, तुम्हें ना मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो। चलो बच्चों, अब तुम लोग की बारी है फेरे लेने की, और जो लड़का और लड़की किसी बंधन में ना हो वो अपने सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करे, ठीक है? चलो सरला जी, बच्चों को थाली पकड़वा देते हैं। ले बेटा, चले पुत्र आ जाओ और मन से पूजा करना। हुँ? जा। अब भाई लड़के आगे चलेंगे और उनके पीछे पीछे उसकी होने वाली भाई, बिल्कुल इसी तरह जैसे विवाह के मंडप में पंडित जी करवाते हैं ना कि लड़का आगे और लड़की पीछे हाथ पकड़ के चलते, बिल्कुल उसी तरह। चलो बेटा सब शुरू हो जाओ। ऋषभ के पीछे शैलिन चलेगी और तेरे शुरू करेगा पृथ्वी, पृथ्वी के पीछे प्रीता, फिर करण, समीर, सृष्टि, कृतिका, रूह, सारे लोग। लेकिन एक बात याद रहे, जो भी सिंगल लड़का लड़की है वो सब फेरों में शामिल हो जाए। सबसे जरूरी बात ये है कि हमारी दो नई जोड़ियां साथ साथ चलें। बाकी जो चाहे जहां चल सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हाँ संभाल के चलना, कहीं ऐसा ना हो कि चलते चलते कोई नई जोड़ियां बन जाए। मामा से चोट लगी है। जानती हूँ, पूजा को आधे में छोड़ के नहीं जाती, पहले पूजा कंप्लीट कर उसके बाद। धीरे धीरे, क्या कर लिया तूने? यहाँ बैठ। अरे धीरे से, आराम से काम करने का क्या, घर पे बर्फ लेके, बर्फ लेके, बर्फ वो मंगवा दीजिए ना ताकि इसका आराम आ जाए। मैं लेकर जानकी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं कहीं इसे मेरा शैतानी प्लान पता तो नहीं चल गया? कहीं इसने मुझे मुझे वो जलती हुई लकड़ी प्रीता के रास्ते में रखते हुए तो नहीं देख लिया? ओ गॉड, ये बुढ़िया हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आ जाती है? ये भी तो हो सकता है कि इस आग को देख के उनको उस आग की याद आई हो जिसमें उनकी याददाश्त चली गई थी और इसकी वजह से उनके दिमाग पर प्रेशर बन गया। हो सकता है कि उन्हें तब याद आ गया हो कि कुमकुम भाग्य हॉल में आग किसने लगाई थी। मैंने उन दोनों को देखा था, ये दोनों आग के पीछे थे। ये सीन थोड़ा फिल्मी नहीं लग रहा? तुम अपना ये फिल्मी सीन बंद करो जल्दी से, ये बटन लगाओ ना, देर हो रही है मुझे। क्या करूं, रॉकस्टार के साथ रहती हूं तो थोड़ा फिल्मी तो बनना पड़ेगा ना। देखो सदियों से चला आ रहा है इस सीन से ना मुझे कोई फीलिंग नहीं आने वाली, समझी तुम? तो आप डर क्यों रहे? क्योंकि शायद आज मीडिया का फायदा उठाकर जितना चाहे से पकड़ो, मेरी नस्ल तो फिर भी गंदा नहीं कर पाओगे। एक बार मुझे वो लाल बत्ती हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए, फिर सबसे पहले बुलडोजर कृष्णपुरी पर चलेंगे। फिर ना रहोगी तुम, ना तुम्हारी माँ, और ना तुम जैसे पैदाइश के लोग।
25 जनवरी सुबह 8 बजे होगा धमाका। हमारी गाड़ी में एक औरत है, मैं नहीं जानती वो कौन है, पर मैं उसे अपने घर पे नहीं लेकर जा रही, बल्कि मैं उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही। तुम हार गए। Are you sure, my love? राजवीर हार गया। चलिए एक काम करते हैं, आपको मिलाते हैं with the love of your life. शराब पीने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगी। आखिरी बार मैं तुम्हें कोई टास नहीं दूंगी, सीधा जहर पिलाऊंगी, और इस जहर को ठीक करने की कोई दवाई भी नहीं।